जितना जबान पे जिक्र होगा उतना ही उसके अंदर एक निखार पैदा हो जाएगा। ये अल्लाह वालों के चेहरे कशिश क्यों होती है? जिक्र अनवारात होते हैं उनके अंदर, जबान जिक्र कर रहे हैं दिल में गया, उसके जरिए से एक रोशनी फैल जाती है पूरे अज़ा में। एक बुजुर्ग थे, उन्हें जिक्र फरमाते थे, तलकिन किए जाओ फलां कमरे में, मुलाकात मत करना, फर्ज नमाज के लिए मस्जिद जाओ, बैक में जाना, जिक्र लगा दी उनको। उतने बरसा जमाना आ गया तो जिक्र मजबूर थे कि लकड़ी ऊपर से गिरी, उनके सर पे गिरी, सर फूट गया जाहिर, इसमें हर कतरे में अल्लाह अल्लाह आता था उसका, हर खतरे में अल्लाह, इतना जिक्र किया उन्होंने। ऐसे लम लोग इससे करने थोड़ी हकायक है ये। आज हमारे ज़माने गीबत में, झूठ में, बोहतान में, गाली गलौज में लगी हुई है, इसलिए उसे काम नहीं आ रहा। काम के लिए ज़रूरी है कि दिल को साफ रख लो अपने अंदर, और दुआ भी कर अल्लाह ताला मेरे दिल को साफ पाक साफ कर दिया। और ये नबी ने सब दुआएं करके बता दी। दुनिया में कोई ऐसा मज़हब नहीं है जिससे इस तरतीबार की इस्लाह की हो। खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना पूरी तौर पे आप इस्लाह फरमा दी है। ये है आज हम लोग